हेलो भाइयों, क्या हाल चाल आप सबके। तो गाइस, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप पेज़ैप एप्लीकेशन यूज़ करते हो या फिर मोबीक्विक एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो अगर आप वहाँ से कोई बिल पेमेंट करते हो यहाँ पे आके पेज़ैप से, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आपके साथ किस तरह से ये स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने ये चेक कर सकते हैं, आप 2700 की पेमेंट की थी, यहाँ से मैं अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहा था। देन यहाँ पे मेरा 2700 जो डेबिट हो गया था मेरे अकाउंट से, और जो कि मैं मोबीक्विक से पेमेंट कर रहा था, तो यहाँ पे पेड टू मोबीक्विक को जो ट्रांजेक्शन है वो इन्होंने कर दी थी। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ मोबीक्विक में, ये अभी तक पेमेंट इसका कोई भी अपडेट नहीं है। मैं सारा आपको बताऊँगा कि इशू क्या चल रहा है और ये किस तरह से आपको जो बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से आपका जो ये पैसा वो होल्ड करते हैं। तो गाइस, ये मैं आ गया मोबीक्विक की जो हिस्ट्री है वहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9th और उससे पहले 8 मई की जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे 7 मई को गाइस आप चेक कर सकते हो कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है 2700 की जो मैंने यहाँ से की थी, तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, आप चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको आगे और भी दिखाऊँगा, तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। देन अब आगे चलते हम, और गाइस ये आप चेक कर सकते हो 7th मई ये लिखा हुआ है UPI मोबीक्विक, यहाँ पे रेफरेंस नंबर है और यहाँ पे जो मर्चेंट है मोबीक्विक, इनको पेमेंट इनकी तरफ से की गई थी। अभी ये बैंक वाले ये बोल रहे हैं कि जो आपकी पेमेंट है वो आपकी पेमेंट हमें नहीं शो हो रही आपकी स्टेटमेंट में, आप पेज़ैप से कॉन्टैक्ट करें। और पेज़ैप वाले ये बोल रहे हैं कि आप जो आपकी जो बैंक है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। तो जब मैं इसके पास मोबीक्विक के पास गया, तो मोबीक्विक वाले बोले आप भाई बैंक से कॉन्टैक्ट करें। तो गाइस, इस तरह से ये आपको मिसगाइड करते हैं, तो जो आपकी जो पेमेंट है वो ये पेमेंट ऐसे ही होल्ड करते हैं, आपको कोई भी सही से इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। नीचे में ट्विटर का जो लिंक है, जो ट्वीट है वो मैंने किया हुआ है, उसको रीट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर हो सके और आपके साथ भी कोई ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये चलो जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ एक तरह से देखा जाए तो, ताकि आप भी अवेयर हो सकें कि इन प्लेटफॉर्म पे कैसी कैसी आपको प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ सकती है।